नमस्कार दर्शक बंधु मुँ बलराम आपण स्वागत करुच्छी आपर यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मास्टर ओडिया चैनल। दर्शक बंधु गत भिडियो गुड़िक पंचायत राज सिस्टम एवं सहरांचल स्वयंशासन संस्था संपर्क में आलोचना करते जो मैंने से भिडियो गुड़ी को देखी ना आई बटन को जाए देखिपारे तेज जे आपण मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी सहजरे समाधान करेंगे। तेज निपर आम भिडियो पंचायत राज सिस्टम रो 30 टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करूँ जहाँकि आपण मान परीक्षा दृष्टि बेस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये 30 टी क्वेश्चन मधुर जेकोसी परीक्षा दिंतु ना कहीं आपड़ ओटीटी ओएससीटीटी सीटीबीडी एंट्रेंस जेकोसी एग्जामिनेशन आपण मान तीसटी क्वेश्चन मधुर दुईट क्वेश्चन आसवर संभावना रही है। तेज निहतर में जब भिडियोटी भल लगे तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नतुबा सब्सक्राइब करेनि। तो चलतु आरंभ करवा आज प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही। तो आज प्रथम क्वेश्चन रही क्यों राज्य प्रथम पंचायत राज व्यवस्था आरंभ कला। तो ऑप्शन गुड़िक रही राजस्थान मध्यप्रदेश आंध्र प्रदेश और बिहार। तो यही राज्य गुड़िक मधर किए प्रथम पंचायत राज व्यवस्था आरंभ कला। तबे जो बलवंत राय मेहटा कमिटी थी से 1957 मसीह सरकार को गोटे सुपारिश करते जे देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम अपना जाऊ। तबे ए भितरे प्रथम राज्य भाव राजस्थान प्रथम राज्य भाव राजस्थान आमर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपणाइला। तो राजस्थान होची यार सठिक उत्तर। तो राजस्थान प्रथम राज्य भाव में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपणाइला। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही चल देखा क्यों राज्य पंचायत राज अनुष्ठान ना क्यों राज्य पंचायत राज अनुष्ठान ना। तो एमती केतक राज्य अच्छा जो राज्य गुड़िक पंचायत राज सिस्टम वर्तमान पर्यंत लागू होना कारण जनसंख्या से बहुत कम रही तेणु से पंचायत राज सिस्टम को अपने नहाती। तो ऑप्शन गुड़िक मध्य रही मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो यार सठिक उत्तर रही सठिक उत्तर मध्य रही ऑप्शन नंबर क जार सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर क मिजोरम वर्तमान पर्यंत आमर पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा द्वितीय नंबर क्वेश्चन टी आम रही क्यों राज्य महिला मानक 50% सीट संरक्षण करतवा जो आम पंचायत राज सिस्टम रे जो पंचायत इलेक्शन हुए से महिला मानक 50% संरक्षण क्यों राज्य रखी। तो ऑप्शन गुड़िक मध्य रही आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो यार सठिक उत्तर हूँ आंध्र प्रदेश एवं सठिक उत्तर मध्य आंध्र प्रदेश सठिक उत्तर। तो आंध्र प्रदेश तार पंचायत राज सिस्टम रे पंचायत इलेक्शन रे महिला मानक 50 सीट संरक्षण रखि थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू को आम जीबा क्यों वर्ष राजस्थान पंचायत राज आईन कर जायतिला। तो क्यों वर्ष राजस्थान रे पंचायत आईन कर जायतिला। तो चार नंबर रो ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1949 1953 1956 एवं 1969। तो जितेबले बलवंत राय मेहटा कमिटी 1957 मसीह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था करने सरकार को सुपारिश कले से 1969 मसीह राजस्थान रे प्रथम थर पर ए व्यवस्था को अपना जाता तार प्रथम राज्य भाव से गौरव अर्जन करथिला जे कि पंचायत राज सिस्टम को प्रथम अपणाइला। तबे यह केबे अपणाइला ना 1969 मसीह। तो यार सठिक उत्तर होची 1969 मसीह। तो 1969 मसीह राजस्थान प्रथम पंचायत राज सिस्टम को अपणाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जातीय पंचायत दिवस केबे पालन कराए जातीय पंचायत दिवस केबे पालन कराए। तो ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन गुड़िक रही 10 अप्रैल 14 अप्रैल 24 अप्रैल एवं 25 अप्रैल। तो यार सठिक उत्तर टी रही 5 नंबर सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ग 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को आमर जातीय पंचायत राज दिवस भाव में पालन कराए पंचायत राज दिवस सिस्टम को सुदृढ़ करने को बेस करी आमर 24 अप्रैल को जातीय पंचायत राज दिवस रूप से पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य क्योंटी सठिक नुहे पंचायत राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू का समय रे भारत रे प्रतिष्ठा होता। मध्यप्रदेश हूँ प्रथम राज्य जहाँकि कार्यकारी कर 1992 73तम संविधान संशोधन कार्यकारी करमिलनाडु द्विपाक्षिक पद्धति ग्रहण कर
सठिक उत्तर मध्यप्रदेश हेउची प्रथम राज्य जहाँकी कार्यकारी करथिला तो एटा ठीक नुहे कारण प्रथम राज्य भाव में राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था को कार्यकारी करथिला। तो देखिबा नेक्स्ट होची खाप पंचायत मध्य जनाशुना अथवा खाप पंचायत अन्य क्यों नाम रे मध्य जनाशुना। तो खाप पंचायत गोटे जातियाण मनोभाव को नहीं गोटे पंचायत होती से मनोमुखी भाव में गोटे जातिर लोक मैं संगठित करें किसी कार्यकलाप करती जहाँकि खाप पंचायत नाम जनाशुना। तो यार सठिक उत्तर रही जाति पंचायत। नेक्स्ट जहाँ पंचायत राज अनुष्ठान नुहे तो निम्नलिखित मध्य क्यों गुड़िक पंचायत राज अनुष्ठान रुहे तो ऑप्शन गुड़िक रही ग्राम सभा ग्राम पंचायत ग्राम समवाय समिति और जिला परिषद। तो ग्राम सभा हूँ गोटे ग्राम सभा हूँ गोटे ग्राम पंचायत गोटे अंशविशेष एवं जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत हूँ पंचायत राज सिस्टम गोटे गोटे स्तर सेपरी ग्राम पंचायत समिति यह ग्राम पंचायत अनुष्ठान नुहे। नेक्स्ट रही अशोक मेहटा कमिटी रे कहा उपर अधिक गुरुत्व दि जाइला ग्राम सभा जिला परिषद तालुका पंचायत समिति एवं मंडल पंचायत। तो निहाती भाव जो अशोक मेहटा कमिटी गठन कर पंचायत को बाद पंचायत बदल में मंडल पंचायत एवं संपूर्ण रूपे पंचायत समिति को बाद देते जिला परिषद सर्वोच्च स्तर में रखी थे किंतु मंडल पंचायत को अधिक भाव गुरुत्व देते। तो अशोक मेहटा कमिटी मंडल पंचायत उपर अधिक गुरुत्व देते जैक सठिक उत्तर होती ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट 10 नंबर रही भारत में पंचायत राज व्यवस्था पुनर्जीवन एक गुरुत्वपूर्ण कारण कौन। तो आम कारण गुड़िक देखा यह अत्यंत अर्थनैतिक और लाभदायक अटे प्राचीन काल आम पाखक आसी तृणमूल स्तर में गणतांत्रिक संस्था गुड़िकर अंशग्रहण में साय कै यह ग्राम प्रशासन दक्षता जोगाए। तो निहत भाव में यह तृणमूल स्तर में गणतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर लोक शासन व्यवस्था अंशग्रहण करें सुजोग जोगाई थाए अथवा जो सेंट्रल पावर को डिसेंट्रलाइजेशन बा विकेंद्रीकरण करिबारे या मुख्य भूमिका ग्रहण करथाय तेणु यार सठिक उत्तर देउची ऑप्शन नंबर ग यह तृणमूल स्तर में गणतांत्रिक संस्था गुड़िकर अंशग्रहण करिबारे आमको साहाज्य करथाय। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन अछि केउ योजनार अग्रगति रो नजर रखिबा पई पंचायत दर्पण आरंभ करथले गोटे पंचायत दर्पण पत्रिका आरंभ कर जायथिला। तो निम्नलिखित मधुर क्यों योजनार अग्रगति नजर रखापी से ही पंचायत दर्पण पत्रिका आरंभ होता। तो ऑप्शन गुड़िक रही प्रधानमंत्री आवास योजना सांसद आदर्श योजना एवं आदर्श ग्राम योजना एवं भमासा योजना एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यार सठिक उत्तर रही सांसद आदर्श ग्राम योजनार अग्रगति को नजर रखापी पंचायत दर्पण कार्यकारी कर। नेक्स्ट निम्नलिखित आर्टिकल मध्य क्यों पंचायत राज सहित जड़ित तो धारा 243 धारा 324 धारा 124 एवं धारा 73। तो संविधान जो आर्टिकल रही पंचायत सहित संपृक्त धाराटी रही ऑप्शन नंबर क रही धारा 243 अनुजाई संविधान माने 29 विषय वस्तु को लिपिबद्ध कर। तो ऑप्शन नंबर क यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट ऑप्शन उत्तर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों मसीह ग्रामगोष्ठी योजना कार्यकारी होता क्यों मसीह ग्रामगोष्ठी योजना कार्यकारी होता। तो 1991 ऑप्शन रही 1988 1950 1952 मसीह। तो जितेबले भारत स्वाधीनता है 1947 मसीहा पर सेतेबले आम पाखे गोटे सरकार नथिला जे भारत को संपूर्ण रूपे चलवाई तेणु आम 1950 मसीह गोटे संपूर्ण आमर शासन कार्य पाइबापी शासन कार्य तुलेबापी गोटे सरकार आसला सरकार आसवापर जार प्रधानमंत्री होते जवाहरलाल नेहरू सेतेबले से ग्रामगोष्ठी योजना आरंभ करते जहाँकि 1952 मसीह यार परवर्त समय अथवा 1957 मसीह बलवंत राय मेहटा कमिटी द्वारा पंचायत राज सिस्टम होता। तो यार सठिक उत्तर देखिए 1952 मसीह ग्रामगोष्ठी योजना आरंभ होता क्यों पंचवर्षीय योजना पंचायत राज व्यवस्था थी। तो प्रथम पंचवार्षिक योजना हूँ आमर 1951 रु 1956 मसीह सेकेंड 5 ईयर प्लान रे बा द्वितीय पंचवार्षिक योजना रे पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी होता। तो ऑप्शन नंबर ख एठारे ठीक उत्तर रही। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन रही त्रिस्तरीय व्यवस्था क्यों राज्य द्वारा ग्रहण करा। तो आम आगर मत आलोचना कर सारी ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रथम राजस्थान द्वारा एडप्ट होता।
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन अछि भारत रा निम्नलिखित राज्य गुडी को मधरु केउटु एथिरु मुक्त अतः पंचायत राज अनुष्ठान रे अनुसूचित जाति पई संरक्षण व्यवस्था केउ राज्य रे हुए नाही तो केउ राज्य रे जो अनुसूचित जाति मानक पई स्थान संरक्षण रही थाए ता हुए नाही तो ऑप्शन गुडी रहिछि राजस्थान आसाम अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम तो अरुणाचल प्रदेश रे पंचायत राज अनुष्ठान रे अनुसूचित जाति मानक पई संरक्षण व्यवस्था नाही नेक्स्ट केउ वर्ष को ग्राम सभा वर्ष भाव रे घोषित करा जाय छे केउ वर्ष को ग्राम सभा वर्ष भाव रे घोषित करा जाय छे अथवा ग्राम सभा रो अवेयरनेस पई सरकार वर्ष केतक वर्ष को ग्राम सभा वर्ष भाव रे घोषणा करंती तो एई ऑप्शन गुडी को मधरु 2008-9-10 नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नलिखित कमिटी मधर केउटी पंचायत राज रो अर्थ निगम सुपारिश करथिले अथवा पंचायत राज सिस्टम रो आर्थिक क्षेत्र रे स्वावलंबी करिया पई बा अर्थनैतिक क्षेत्र रे अग्रगति करबा पई बा आर्थिक एम्पावर करिया पई जो कमिटी को कमिटी टी माने सुपारिश करथिले तो ऑप्शन गुडी रहिछि बलमंत्रा मेहटा कमिटी के संथानम कमिटी एवं अशोक मेहटा कमिटी एवं जी भी के राव कमिटी तो यार सटीक उत्तर गुड़ी का मधरे ऑप्शन नंबर ख यार सटीक उत्तर तब के संथानम कमिटी 1963 मसिया रे गठित होइतिला जहा कि पंचायत राज सिस्टम को गोटी अर्थनैतिक अवेयरनेस बा एम्पावरमेंट करिबा पई कमिटी पंचायत राज रो अर्थ निगम को सुपारिश करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एक पंचायत गठन पई केबे निर्वाचन समाप्त होबा उचित बा गुटे प्रत्येक पंचायत गठन हेला पर तार कार्यकाल होउछि 5 वर्ष तो 5 वर्ष पर गुटे पंचायत रो कार्यकाल सरी जाय त केबे निर्वाचन हेबा आवश्यक तो ऑप्शन गुडी रहिछि या विलोपन तारीख थारु 6 मास पूर्वरु एहार विलोपन तारीख थारु 3 मास समाप्ति परे एहार विलोपन तारीख थारु 1 वर्ष समाप्ति परे एहार विलोपन तारीख थारु 2 मास समाप्ति परे तर सटीक उत्तर होची गोटे पंचायत रो कार्यकाल सरीबा बा ग्राम पंचायत रो कार्यकाल सरीबा परे बा सरीबा पूर्वरु 6 मास पूर्वरु पुनी थरे इलेक्शन हेजमा आवश्यक तर ऑप्शन नंबर क सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि चलन तो कोन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी अशोक मेहटा कमिटी को सुपारिश पंचायत राज अनुष्ठान गुडीकर बाध्यतामूलक क्षमता रहिबा उचित टिकस जेपरि समानकर निजस्व आर्थिक संबल संग्रह करिवे पंचायत राज तीन स्तरीय व्यवस्था को सुपारिश करा जायछि एवं जिला स्तर रे योजना पई जिला परिषद दायी हेबा उचित एवं नेक्स्ट रहिछि विकेंद्रीकरण पई एक जिला प्रथम पॉइंट हेबा उचित तो निम्नोक्त मधरु केउ ऑप्शन टी ठीक आपण मानको होममार्क दिया गला आपण माने कमेंट बॉक्स रे निहाती लेखिबे मु कमेंट बॉक्स रे जणेबी जे आर सटीक उत्तर टी कोन हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबे आमे केउ मसिया रे जातीय संप्रसारण सेवा कार्यकारी होइतिला केउ मसिया रे प्रथमे जातीय संप्रसारण सेवा कार्यकारी होइतिला तो प्रथमे 1952 मसिया रे ग्राम गोष्ठी उन्नयन योजना कार्यकारी होइतिला 1952 मसिया रे जतलो ग्रामगोष्ठी योजना कार्यकारी होता यार सफलता को देखी जवाहरलाल नेहरू पुणी थे गोटे योजना प्रस्तुत करते जहाँ रही जातीय संप्रसारण सेवा योजना कार्यकारी करते जहाँकि 1953 मसीह कार्यकारी करा था तो ऑप्शन नंबर ग यार सटीक उत्तर 1953 मसीह जातीय संप्रसारण सेवा कार्यकारी होता नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन रही ओडिशा सरकार 1968 मसीह जिला परिषद परिवर्तन कौन गठन करते तो 68 मसीहारे जिला परिषद परिवर्तन ओडिशा सरकार कौन गठन करते जिला मंडल जिला योजना बोर्ड जिला कमिटी जिला परामर्शदाता परिषद तो 1968 मसीहारे जिला परिषद परिवर्तन जिला परामर्शदाता परिषद गठन करा जायतिला किंतु परवर्ती मुहूर्त रे अथवा 1992 मसीहारे पुणी थरे जिला परामर्शदाता परिषद को परिवर्तन करे पुणी थरे जिला परिषद करा जायतिला वर्तमान एबे जिला परिषद रहिछि ओडिसा रे केतोटी पंचायत समिति रहिछि ओडिसा रे केतोटी पंचायत समिति रहिछि 460 टी 315 टी 314 टी एवं 316 टी तो त्रिस्तर पंचायत राज व्यवस्था रो द्वितीय स्तर टी होछि पंचायत समिति तो ओडिसा रे एबे केतोटी पंचायत समिति कार्य करूछि ना 314 टी पंचायत समिति कार्य करूछि
73তম সংবিধান সংশোধন অধিনিয়ম 1992 অনুযায়ী কেতে জনসংখ্যা থিবা রাজ্যগুড়িক পাই ত্রিস্তরে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা ধার্য করা যাইছি ত 10 লক্ষ 5 লক্ষ 20 লক্ষ উপরুক্ত মধ্যে কোনসিটি নুই ত এর সঠিক উত্তর হচ্ছে যে 1992 মসিয়া 73তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী গোটে রাজ্যর যদি 20 লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট হুয়ে তবে সেই রাজ্যগুড়িকরে পঞ্চায়েত রাজ সিস্টম লাগু করা যাই পারিব নেক্সট 25 নম্বর কোশ্চিনটি রয়েছে সাংবিধানিক ধারা 243 অনুযায়ী কিয়ে পঞ্চায়েত পাই আইন রচনা করতে রাজ্যসভা লোকসভা রাজ্য পরিষদ রাজ্য বিধানসভা তো সংবিধানর 243 ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভা পঞ্চায়েত রাজ সিস্টম পাই আইন প্রণয়ন করে পারিব নেক্সট 26 নম্বর কোশ্চিনটি রয়েছে কেউ সাংবিধানিক বা কেউ আর্টিকেলরে ভারতর সরি কেউ সাংবিধানিক আর্টিকেলরে বা সংবিধানর কেউ আর্টিকেলরে পঞ্চায়েতর অবধি ব্যাখ্যা করা যাইছি তো 26 নম্বর অপশন গুড়িক রয়েছে ধারা 243 এন ধারা 243 ও ধারা 243 ই এবং ধারা 243 বি তো ধারা 243 ই রে ধারা 243 ই রে আমার সংবিধানর যে সংবিধান রয়েছে 243 ধারা সংবিধান অনুযায়ী পঞ্চায়েতর যে কোন রয়েছে যে পঞ্চায়েতর অবধি অথবা এর কার্যকাল কত বর্ষ তাকে বর্ণনা করা যাইছে নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি গ্রাম পঞ্চায়েত রাজস্বর উৎস নুহ সম্পত্তি কর হাউস ট্যাক্স কর জমি কর যান কর তো এমানক মধ্যে সম্পত্তি কর সরি সরি জমি কর এমানক মধ্যে জমি কর আমার কি আদায় করছে আমার আদায় করছে তহসিলদার আদায় করতে তেমন জমি করটা গ্রাম পঞ্চায়েতর রাজস্বর উৎসর অন্তর্ভুক্ত নুহে নেক্সট নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতর আয়ের উৎস নুহে আয়কর বিক্রয় কর বৃত্তি কর যানবাহন কর তো আয়কর হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতর আয়ের উৎস নুহে এ ইনকম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টর কাম নিম্নলিখিত মধ্যে কি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সমস্ত পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ সেই অঞ্চল রাজ্য বিধানসভার সভ্য সেই অঞ্চলের কেন্দ্র সংসদর সদস্য মানে উপরোক্ত সমস্ত অথবা এর সঠিক উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত সমস্ত অথবা যেতবে পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক বসে সেতবে প্রত্যেক পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ পঞ্চায়েত সমিতির সভ্য মানে এবং চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এবং তা সহ সেই সেই পঞ্চায়েত সমিতি অন্তর্গত যদি কোণী বিধানসভার সভ্য থাকে বা সাংসদ থাকে মধ্য সে এতে যোগ দিয়ে থাকে তেমন উপরোক্ত সমস্ত হব তবে লাস্ট কোশ্চিন রয়েছে কেবে ওড়িশার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা কার্যকারী হয়েছিল তো অপশন গুড়ি রয়েছে 1949 1988 1952 বা 1961 তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে 1961 মশায় প্রথমে ওড়িশার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা কার্যকারী হয়েছিল তো বর্তমান পর্যন্ত মধ্যে এ কার্যকারী হয়েছে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তবে নিহতি ভাবে সবসক্রাইব করবে এবং যে ওটিটি ওএসটিটি সিটিবিডি এন্ট্রান্স কিংবা অন্য কোণী এক্সামিনেসন দেওয়া তৈরি করছেন তবে এই ভিডিওটি নিহতি ভাবে শেয়ার করবে তবে এই ভিডিওর এতকি রয়েছে নমস্কার বন্ধুত্ব জন্য।